गाइस अभी तक के रोड के एक्सपीरियंस की बात करो ना भाई, सच बता रहा हूँ, पहाड़ी वाले पत्थर। क्या हो गया? अरे डीजल का पाइप फूट गया। ओ शिट, लग गया यहाँ पर। कहाँ पे? यहीं का नीचे का लग गया। ओ तेरे, देख रहा है राइट साइड से बम्पर ही निकल गया है। ऑफ रोड इतना तकड़ा है कि यहाँ देखो ये पत्थर लगा हुआ है और नीचे से बम्पर भी फट चुका है। इसको यार अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं लोग के ना, ये ऐसा लग रहा है यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार, ये स्विफ्ट लाके ना सच में भाई बहुत बड़ी गलती कर दी इधर से आके। लो जी लो गाइस, थोड़ा सा आगे चले फिर दोबारा से लैंडस्लाइड मिल चुकी है। बस कमर टाइट कर लो आप लो सर तक। ऐसे चलता रहा तो भाई रात हो जाएगी मनाली पहुंचते पहुंचते। ओहो, ये बीच में कौन खड़ा है भाई? गाइस ये देखो आप भाई क्या हाल है, ये पुल है पुल और यहाँ बीच में थोड़ा सा उठा हुआ है, गाड़ी लगने के चांसेस तो है, बट भाई ये इतना कच्चा है ना, इतना कच्चा है बस मैं आपको क्या बताऊँ, और साइड में कोई सपोर्ट नहीं है। सीरियसली डर तो मुझे भी लग रहा है, दूसरे गियर से ऊपर गाड़ी जा ही नहीं रही है। देखो गाड़ी की स्पीड देखो, 20 पूरी गाड़ी खड़क रही है भाई। ये देखो इसको रोड बोलते हैं भाई, नहीं चलती भाई गाड़ी 20-30 से ऊपर नहीं चलती। ओके भाई साहब मिलते हैं फिर दोबारा आएंगे लो सर। यहाँ पे जो है ना ये मकैनिक है, मकैनिक के पास जो लड़का काम करता है ना, नीरज नाम है उसका, नेटवर्किंग जोन में जाओ ना तो आप प्लीज फोन कर देना, इस बंदे को नंबर दिया है भाई ने। मनाली में तो गाड़ी नहीं होगी, हम लोग ऐसे जाएंगे गाड़ी ठीक होगी, बंदा आ रहा है मैकेनिक। तो गाइस फाइनली मनाली आ चुके हैं और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज अभी थे हम लोसार में, आज की जर्नी जो रहने वाली है लोसार टू मनाली 150 किलोमीटर का सफर रहने वाला है, बट उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारी गाड़ी का भाई हाफ टैंक है और जिसमें कि मुझे लगता नहीं है कि मनाली तक पहुंच पाएगी, ये भी चीज एक देखने वाली होगी। और सबसे बड़ा टास्क ये रहने वाला है कि हमारी गाड़ी है हैचबैक, और भाई हैचबैक में आपको पता ही है क्या होता है, गाड़ी नीचे से लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखेंगे भाई जैसे तैसे करके करेंगे इसको भी, अभी टाइम हो गया 7 बज गए और जैसे तैसे करके हमें मनाली तक जल्द से जल्द पहुंचना है, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे धूप होती है तो पानी नीचे आने लग जाता है और फिर रिवर क्रॉसिंग बढ़ जाती है, फिर वही है हैचबैक गाड़ी है तो पानी का कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ अभी हम निकल रहे हैं जल्द से जल्द। बाकी यहाँ का जो टेम्परेचर है भाई 6 डिग्री सेल्सियस है यार, आप मानोगे रात को नींद भी नहीं आई यार, और सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो रही थी यहाँ पर क्योंकि हाइट पे है ये। तो अभी जैसे कि काजा से हम यहाँ तक आए थे लोसार में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो भाई प्लीज जाके देख लेना, और यहाँ का आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। तो गाइज वो देख रहे हो आप वहां पे, वो है भाई लोसार की मार्केट, ठीक है? तो लोसार में वहां पर जाके ब्रेकफास्ट करते हैं अगर शॉप्स ओपन हो गई होगी तो, बाकी अभी गाड़ी में सामान रखते हैं और यहाँ से निकलते हैं बहुत जल्दी। चलो भाई बैग को रखते हैं यहाँ पे, ऑल सेट। चलो ठीक है भाई साहब, चलो भाई पेमेंट वेमेंट करनी थी, पेमेंट वेमेंट कर दिया, अब निकलते हैं आगे की तरफ। हाँ जी भाई साहब, आराम से जाएंगे, बिल्कुल आराम से जाएंगे। ओके भाई साहब थैंक यू। ये देखो भाई क्या हालत हो रही है गाड़ी के आगे की बम्पर की, और बाकी दिखाता हूँ मैं आपको पीछे से। ओके भाई साहब मिलते हैं फिर दोबारा आएंगे लो सर। ओके थैंक यू, बहुत अच्छे बंदे हैं यार ये भी। मैंने ना इनसे बोला ब्रेकफास्ट के लिए, बाकी इन्होंने भी यही चीज बोली कि 15-20 मिनट लगेंगे, मैंने कहा यार क्या ही फायदा रुकने का। चलो भाई बाय बाय लो सर, फिर मिलेंगे दोबारा से। बाकी गाइस अपनी जर्नी तो हो ही चुकी है स्टार्ट यहाँ से, अब सीधा रुकेंगे लोसार की मार्केट में, वहाँ देखते हैं अगर कुछ खाने के लिए मिलता है, नहीं मिलेगा तो सीधा बाटाल में रुकेंगे वहाँ कुछ खा पी लेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भाई वीडियो में बने रहना बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ तक की जो मनाली की जर्नी है ना भाई, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ मेरा खुद फर्स्ट टाइम है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है मुझे ये चीज करने की। तो गाइस देख लो भाई ये है अपना लोसार की मार्केट, बाकी एक दो दुकानें खुली भी तो हैं, बाकी आगे जाके देखते हैं यार जिसपे चाय रेडी हो या पराठा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, नहीं तो फिर सीधा बाटाल में ही चलेंगे यहाँ से। पूछते हैं अगर कुछ हल्का फुल्का बिस्किट विस्किट मिल जाएगा ना इससे,
तो बिस्किट लेके यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज यहाँ से जो है ना छोटा मोटा सामान ले लिया, जैसे कि नमकीन बिस्किट हो गया हल्का फुल्का, और यहाँ से जो दिखा रहा है 1 घंटा 19 मिनट दिखा रहा है, मैंने चंद्रताल लेक डाला है, बाकी चंद्रताल तो हम जाएंगे नहीं, तो ये लगा लो 1 घंटा लगेगा बाटाल तक पहुँचने में। बाकी भाई यहाँ तो रिवर क्रॉसिंग मिल रही है यहाँ पर, अभी तो पहुँचे भी नहीं है यार, अभी तक तो लोसार भी क्लियर नहीं कराया हमने। तो गाइज आई थिंक ये आ गया है चेक पोस्ट, तो यहाँ से हम आई थिंक एंट्री करानी होगी। हाँ के ये रही, तो भाई यहाँ एंट्री कराते हैं फिर आगे की तरफ निकलते हैं। बाकी गाइज यहाँ पर एंट्री कर दी है हमने यहाँ पे, और बाकी कुछ नहीं पूछा, वैसे वही नॉर्मल सी चीज़ है जो एंट्री में होता है, फ़ोन नंबर वो सारी चीज़। तो मेरा पहली बार था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पहली बार जा रहा हूँ, मैंने कहा यस सर, तो उन्होंने कहा अपने घर में इन्फॉर्म कर देना क्योंकि आगे नेटवर्क आएंगे नहीं, वो भी आपको 10 से 11 घंटे तक का ट्रैवल करना है तो घर में इन्फॉर्म कर दो। दूसरी चीज़ आराम से भाई ट्रैवल करना, मतलब आराम से चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी 10 से 11 घंटे तक इसी रोड पे चलना है। भाई पहले ही डर लगा दिया इन्होंने तो, खैर चलो अभी घर पे फोन कर देते हैं। और उससे पहले एक चीज दिखाता हूँ आपको, देखो गाइस मैं आपको बोल रहा था ना अपनी गाड़ी में हाफ टैंक ही है अभी देखो, और भाई साहब ऐसे ही रोड मिलने वाले हैं, ये देखो गाड़ी अभी हिलना भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आपसे भी कहूँगा अगर आप आ रहे हो तो भाई घर पे भी इन्फॉर्म कर दो यहाँ से निकलते के साथ ही, जिससे उन्हें टेंशन ना हो, तो मैं भी यही करूँगा अब गाड़ी साइड में लगा के। तो गाइज वहाँ से हम आ रहे हैं कंटिन्यूसली लोसार से, करीबन 10-12 किलोमीटर गाड़ी चला दी, तो यहाँ पर एक कैंपिंग साइड मिलती है, अगर आप मान लो शाम के टाइम आ रहे हो तो यहाँ पर आप रुक सकते हो। कुल्लू 176 है, मनाली 134 है, और ग्रम्फू 71 है, और बाटाल 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर रह गया है वो भी भाई इन रोडों पर, देखना गाइज ये रोड है, पूरी गाड़ी खड़क रही है भाई, ये देखो इसको रोड बोलते हैं भाई। वीडियोस तो हमने भी देखी है यहाँ की, बट आज आया है ना तो आज पता चल रहा है भाई नहीं चलती भाई गाड़ी, 20-30 से ऊपर नहीं चलती, और बाकी हमारी गाड़ी का एक पॉइंट और कम हो गया है, मतलब अब हमारे पास 4 पॉइंट बचे हैं जिसमें कि हमें मनाली तक पहुँचना है। चलो करेंगे, आप भी मज़े लो, आपको भी दिखाएंगे अच्छे अच्छे नज़ारे। गाइस सामने का पहाड़ देखो आप, ये देखो भाई साहब बर्फ़ पड़ी हुई है इस पर, ठंड है भाई यहाँ पर, ठंड है, और बाकी रोड कंडीशन तो आप देख ही रहे हो, चल रहे हैं भाई धीरे 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 धीरे, दूसरे गियर से ऊपर गाड़ी जा ही नहीं रही है, देखो गाड़ी की स्पीड देखो आप 20, कहाँ से भगाऊं भाई इस रोड पे, वही है धीरे धीरे चलते रहो। गाइस ये देखो आप भाई क्या हाल है, ये पुल है पुल, और भाई यहाँ की हालत देखो आप, गाड़ी है सामने वो इसके अंदर जानी है, और यहाँ बीच में थोड़ा सा उठा हुआ है, गाड़ी लगने के चांसेस तो हैं, बट भाई ये इतना कच्चा है ना, इतना कच्चा है बस मैं आपको क्या बताऊँ, पर गाड़ियाँ जाती हैं इसके ऊपर से भी, और साइड में कोई सपोर्ट नहीं है। चलो भाई लेके चलते हैं इस पे से भी, ऊपर वाले का नाम लेके। ओके निकल गए भाई, निकल गई अपनी गाड़ी। ओहो ये बीच में कौन खड़ा है भाई, ये आई थिंक हमारे अंकल ही हैं। क्या हो गया अंकल? गुड मॉर्निंग, क्यों खड़े हो आप? इंतजार में? हमारे इंतजार में, वहां तो रुके नहीं आप? नहीं मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पता है मुझे ऐसा लगा कि आप बाटाल पहुंच गए होंगे। नहीं नहीं, पहले एक गाड़ी और आई थी व्हाइट, वो आई तो मैं बोला इसलिए रुका था, मैं बोला आए तो वो आई बाजू से निकली, वो तो 800 थी वो। अच्छा अच्छा, यहाँ की थी। अरे मैं वो बोला फिर नहीं, फिर बाद में देखा तो और एक गाड़ी दिखी तो वो, फिर उसके बाद में यहाँ ऊपर चढ़े जब दिखी आपकी वहाँ दिखी थी, बोला हाँ अभी तो आ रहे। अच्छा आपने देखा था मेरे को? हाँ। अरे क्या बात है। तो गाइस ये गाड़ी जो है कल मिली थी हमें, अभी रिसेंटली वीडियोस में आपने देखी होगी। ये जो हमारे अंकल है ना भाई, ये करीबन 2 महीने की ट्रिप पे निकले हुए हैं, और काफी दूर से आ रखे हैं ये, ठीक है ना, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या था, बाकी वो भी साथ साथ ही आ रहे हैं। अब भाई एक से भले 2 हो गए, तो 2 गाड़ी हो गई अब साथ में, निकलना में साथ में ही था क्योंकि ये भी लोसार में रुके थे, बट इनका फोन आया कि मैं निकल रहा हूँ आप आ जाना, तो अब भाई मिल गए। अब देखो वीडियो में आपने सुनी लिया होगा, इन्होंने हमारी गाड़ी देखी थी तो ये रुक रुक के चल रहे थे। चलो भाई बढ़िया है। तो गाइस याद आ गया मेरे को, ये अंकल आ रखे हैदराबाद से, तो भाई सोच लो हैदराबाद से निकले हुए, कब से पूरा सर्किट करते हुए आ रहे हैं,
और साथ में हम भी अब कर रहे हैं सर्किट। तो गाइज आप देख सकते हो इस पे जो है ना, मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा है, यहाँ से बंदे जाते हैं और आगे से घूम के आते हैं, तो अच्छा लगता है, हम भी ये करेंगे। कुंजुम लाए भाई, ये ब्यूटीफुल भाई साहब, देख रहे हो आप। मनाली पहुंचते पहुंचते वो हमें करना नहीं है, तो खींचते हम गाड़ी थोड़ा सा आगे तक। लो जी लो, हम भाई पहुंच चुके हैं कुंजुम पास से। नीचे उतरते उतरते ये जा रहा है सीधा रोड चंद्रताल लेक के लिए, बट हमें सीधा बाटाल के लिए जाना है, तो हम यहाँ से नीचे हो जाएंगे क्योंकि गाइस टाइम है नहीं। 9 बज चुके हैं, अभी तक बाटाल पहुंचे नहीं है। और ये आप पढ़ सकते हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर भाई चंद्रताल, तो यहाँ से आप जा सकते हो। चलो भाई चलते हैं, अब यहाँ से यू टर्न लेते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम बाटाल, वो दिख रहा है आपको, सामने गाड़ियां भी खड़ी हुई है और ये बाटाल का ब्रिज है, अब हम इसको पार करेंगे। तो आधा डेस्टिनेशन तो हमने कवर कर ही लिया है भाई ऑलमोस्ट। तो जी लो बाटाल पहुंच गए, HP की टैक्सी नंबर भी है भाई बहुत सारी, टूरिस्ट की तो कोई गाड़ी नहीं मिल रही। बाकी ये है भाई चाचा चाची का ढाबा, यहाँ कुछ खाएंगे, पहले गाड़ी साइड में लगाते हैं। और एक चीज आपको बताता हूँ, ये देखो गाइज हम अभी तक वहां से जो चल के आए हैं, ये देखो 30 किलोमीटर चल के आए हैं, 30 किलोमीटर बाद ये चाचा चाची का ढाबा पड़ता है लोसर से, और पेट्रोल के साइन आपको दिख रहे हैं 3 पॉइंट बचे हैं। तो गाइज फाइनली पहुंच तो गए चाचा चाची के ढाबे, बट एक टेंशन हो रही है भाई, अब ये 3 पॉइंट बचे और यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर है, और बाकी पहले खाते हैं यार, पेट पूजा करते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है, जो भी मिलेगा यहाँ पर खा पी के निकलते हैं फिर। तो गाइस ये देखो भाई चाचा चाची के मोस्ट फेमस कढ़ी चावल अभी खा रहे हैं, बहुत टेस्टी है भाई। तो गाइस खाना वाना खा लिया यहाँ पर, मज़ा आ गया भाई, राजमा चावल का लिए थे और एक कढ़ी चावल लिए थे भाई साहब, क्या टेस्टी थे। एक एक कप चाय पी, अब कहीं नहीं रुकना भाई, अब सीधा खैसम क्या चलते भाई। यहाँ एक टैक्सी वाला था, पता नहीं कैसे कैसे अनाप शनाप बातें कर रहा था, कह रहा था कि भैया स्विफ्ट से आ तो गया आप, ये नीचे का आपका इंजन की प्रोटेक्शन के लिए कवर होता है ना, कह रहा वो बचेगा ही नहीं, वो नया लगवा लेना आगे जाके मारुति से, ये है वो है, मतलब डरा दिया यार उसने, सीरियसली डर तो मुझे भी लग रहा है अब तो। देखते हैं जो भी होता है, चलो चलते हैं, लेट्स गो, जो होगी देखी जाएगी। चलो भाई लेट्स गो, ट्रिप करते हैं स्टार्ट अगेन, धीरे धीरे चलेंगे ना, कोई जल्दी नहीं है। बाकी हमारे पीछे भी कोई गाड़ी नहीं रही है, अब जितनी भी गाड़ी थी वो सारी की सारी आगे जा चुकी है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ वो जा रही है, ठीक है, वो दो टैक्सी वाले जो जा रहे हैं ना वही थे जो मुझे बोल रहे थे कि धीरे धीरे आना, ये रोड आगे बहुत ख़राब है। उनके पास तो इनोवा है भाई, मेरे पास तो देखो हैचबैक है यार, तो ये दिक्कत है, बस पत्थर देख के चलना है भाई। यहाँ पर हो गई है लैंडस्लाइड, जिस वजह से भाई यहाँ पर जाम लगा हुआ है, तो हमारे आगे जो टैक्सी चल रही थी वो भी यहीं पे खड़ी हुई है। गाइस अभी तक के रोड के एक्सपीरियंस की बात करूँ ना भाई, सच बता रहा हूँ, पहाड़ी वाले पत्थर, मतलब मैं क्या बताऊँ, जिसके ऊपर से पानी जाता था ना, अभी तो जैसे अगस्त चल रहा है तो अभी फ्लो कम है, बट जब बाद में फ्लो बढ़ जाता है ना नवंबर दिसंबर में, या फिर आप मई जून में इसको करने की सोच रहे हो यहाँ से मनाली टू काजा, भाई साहब हालत ख़राब हो जाएगी, पानी पानी में से निकलोगे आप, तो बस मैं क्या ही बताऊँ, अब इसको होने देते हैं फिर निकलते हैं आगे। कितना टाइम कह रहे हैं करने के लिए? 15 मिनट। तो अभी हुई है क्या लैंडस्लाइड? ये काम लगा रोड का। अच्छा काम चल रहा है रोड का, रोड का काम चल रहा है। बाकी गाइस आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखो भाई यहाँ के नज़ारे, भाई साहब क्या ही है, ऊपर बादल देखो, बादल का क्या माहौल है, और नीचे चल रही है अपनी रिवर, फ्लो बहुत तेज है भाई, ये देखो बढ़िया है भाई बढ़िया।
ठंड है यहाँ पर वैसे। तो गाइस फाइनली ये खुल चुका है 15-20 मिनट के बाद, अब यहाँ से धीरे 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 निकलेंगे। लो जी लो गाइस, थोड़ा सा आगे चले फिर दोबारा से लैंडस्लाइड मिल चुकी है, फिर दोबारा से रुक जाओ यहाँ पर। यार क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा भाई इस रोड पे। तो यार ये जो क्रेनें लगी पड़ी हैं यहाँ पर, एक यहाँ लगी हुई है और एक वो आगे देखो वहाँ पे भी लगी पड़ी है, वो देखो भाई ये रही, ठीक है ये। तो इसके लिए मैं आपको गुड न्यूज़ देता हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि भाई ये जो रोड है ना अब BRO के अंडर आ चुका है। BRO के अंडर मतलब अब ये पक्का रोड बन जाएगा साल या दो साल के अंदर। पहले BRO के अंडर में नहीं था इसलिए ऑफ रोड रहता था। जो मजा पहले काजा का था ना ऑफ रोड करते हुए जाने का, बाइकर्स के लिए हो गया, कार्स के लिए हो गया, ऑफ रोड कार लेके आते थे जैसे थार हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, फॉर्चूनर हो गई, वो मजा खत्म हो जाएगा भाई। ये है कि 1.5 घंटे में आप काजा पहुंच जाओगे मनाली से। चलो खैर अच्छी बात है, गुड न्यूज थी ये, मैंने सोचा आपको दे दूं। चलो भाई चलते हैं आगे की तरफ। ये जो ऊपर की क्रेन है ना भाई, ये जो लगी हुई है ये नीचे फेंक रही है यहाँ से, और यहाँ जो क्रेन काम कर रही है वो यहाँ से नीचे कर रही है। तो इस तरीके से काम चल रहा है, रोड को ना चौड़ा कराया जा रहा है। और यहाँ से भाई मनाली रह गया है 101 किलोमीटर, क्या बात है। गाइज आप ये देखो हर जगह जाम ही जाम है। ये तीसरी लैंडस्लाइड मिली है हमें, तीसरी चौथी, और यहाँ पे भी पत्थर वत्थर गिरे हुए, क्रेनें लगी पड़ी है भाई, काम कर रही है बैक टू बैक। धीरे धीरे निकल रहे हैं भाई, ये तो है यार, आधा टाइम तो इन्होंने ही ले लिया यार। अब देखो वहाँ से UP नंबर पहली नो आ रही है, वो कैसी खड़ी है यार, तो वो भी धीरे धीरे ही आ रहे हैं, क्या ही करें यार। इधर क्रेन, इधर वो UP नंबर गाड़ी है देखो भाई, उधर बस है, तो जाम तो लगना ही है भाई। चलो भाई फाइनली निकल ही गए यहाँ से एट दी एंड, अब ना मिले यार, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए भाई। लैंडस्लाइड ना अगस्त के महीने में यही होता है, एक तो ये रोड भी चौड़ा कर रहे हैं, अब ये देखो यार कहाँ से निकालेगा गाड़ी इंसान। अभी देखो आवाज आई आपको, लग गई नीचे से, ओ तेरी, ये देखो भाई, ओ शिट, ये देखो यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो रखी है, तोड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। ये देखो भाई बहुत धीरे धीरे चला रहा हूँ, फिर भी गाड़ी लग रही है भाई नीचे से, फिर भी मुझे लग रहा है इसकी जो है ना चेंज करानी पड़ेगी भाई, नीचे की जो इंजन प्रोटेक्शन होता है ना वो चेंज कराना ही पड़ेगा। अबे यार अब ये फिर रुक गए, चल क्या रहा है यहाँ पर ये। लो जी लो भाई स्विफ्ट डिजायर भी जा रही है यहाँ से, अलॉय डलवा रखे हैं भाई साहब ने, HP नंबर है। हम भी चल ही रहे हैं धीरे धीरे, बट यार वो तो एकदम भगाते हुए जा रहा है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। HP वाले बंदों को ना डर ही नहीं होता बिल्कुल भी यार, जैसे तैसे करके चलाते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं रोड दिखाता हूँ, ये देखो ये बीच में से जो है ना उठा हुआ है, और राइट और लेफ्ट साइड से ना ट्रक जाके ना बीच से चीज उड़ जाती है, तो आपको ये गलती नहीं करनी, अपने दो टायर ना उधर रखने हैं जिधर से ज्यादा उठा हुआ है ना उधर से। अभी जैसे मैंने निकाली ना, अब से आप एक चीज समझ गए होंगे, इस तरीके से गाड़ी आपको निकालनी है भाई इस रोड पे, ये बहुत बड़ा टास्क है भाई। अगर आपने बीच में से निकाली ना डेफिनेटली आपकी गाड़ी लगनी है नीचे से, इतना तो मैं समझ चुका हूँ। अपनी गाड़ी में बता रहा हूँ अभी तक 25-30 बार लग चुकी है नीचे से, बाकी चैम्बर तो ठीक है, वो धीरे धीरे लग रही है, हल्के हल्के पत्थर जो है ना वो लग रहे हैं, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट ये है कि ज्यादा ना लगे तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये आपको कहीं भी चीज मिल सकती है हिमाचल प्रदेश में, तो इसलिए बोल रहा हूँ। देखो वाटर क्रॉसिंग आ गई, वाटर क्रॉसिंग के मजे लो भाई। गाइस ये देखो भाई यहाँ ऊपर से पहाड़ों में से पानी आ रहा है, और नीचे आते 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 पूरा वाटरफॉल बन रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा प्यारा। अभी गाइस एक चीज बताऊं मैं आपको यार, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ इतनी देर से कि भाई
ग्रम्फू कब आएगा, ग्रम्फू कब आएगा। अगर ग्रम्फू आ जाए ना तो यार बढ़िया हो जाएगा। बहुत देर हो गई भाई ऑफ रोड करते करते, यार करीबन 5 घंटे से ज़्यादा हो गए। 6:30 बजे चले थे और अभी टाइम हो गया करेक्ट 12। अब आप उससे अंदाज़ा लगा लो यार, मतलब 5.5 घंटे हो गए चलते चलते। भाई पूरा शरीर कांप रहा है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और पैर में दर्द और होने लग गया है। तो चलो गाइज यहाँ से निकलते हैं अब आगे की तरफ। वाटर पूल तो बढ़िया था, बाकी आप यहाँ के रोड देखो यार, जिसे रोड बोलते हैं भाई वैसी मूड ख़राब हो रहा है, इसीलिए मैं झिक चुका हूँ। मैं बस यही दुआ कर रहा हूँ भाई हाईवे आ जाए, बहुत देर हो गई। और अब आप ये अंदाज़ा लगा लो सुबह के 5:30 बजे के निकले हुए हैं। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, ये देखो भाई 11:55 हो रहे हैं, 12 बज गए। और इतना सुबह निकलने का मतलब यही था कि वाटर क्रॉसिंग कम मिलेगी, बट फिर भी देख लो यार कितनी वाटर क्रॉसिंग है, और पानी का बहाव देखो कितना तेज है यार, हद है भाई। गाइस एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, आपका भी डाउट होगा ना कि एक पहाड़ को कैसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं। एक वो ख़त्म होती नहीं है वाटर क्रॉसिंग, दूसरी स्टार्ट। ये लो जी अब इसको निकालो बहुत प्यार से, तब भी गाड़ी लगी जाती है नीचे से यार। तो भाई ये आ रही है DL की गाड़ी, होंडा सिटी। भाई कितने किलोमीटर आ गए आप? ऑफ रोड जो हाँ चल रहा है 30-35 किलोमीटर। हाँ। मतलब मनाली से कह रहे हो या फिर वहाँ से गोक से? मैं सिर्फ ये ऑफ रोड बता रहा हूँ। अच्छा ऑफ रोड ही बता रहे हो, और तो फिर बढ़िया मनाली होगा वहाँ से 30-35 किलोमीटर और 30-35 किलोमीटर है। गाड़ी तो लग रही होगी नीचे से दबा के। हाँ, लास्ट के जो 10 किलोमीटर होंगे ना वहाँ बिल्कुल 2-4-5 चलेगी। अच्छा, जो लास्ट के 10 किलोमीटर बचेंगे ऐसे वाले। अभी ये कितना रह गया? अरे भाई साहब पूछो मत, अभी तो आप अभी तो स्टार्टिंग है आपकी। चले कब? हम तो चले हुए सुबह 6:30 बजे के, 12:30 बजे देख लो। कितना रोड कितना है भाई साहब? पूरा है लोसर तक 70 किलोमीटर बताया। बस कमर टाइट कर लो आप लोसर तक, ठीक है? यार हद है भाई, 30-35 किलोमीटर अभी और रह गया भाई, 55 किलोमीटर तो मैं चल चुका हूँ यार। मैं दिखाऊँ आपको, दिखाता हूँ एक सेकंड। ये देखो गाइस 53.3, तो आप उससे अंदाजा लगा लो वही 55 किलोमीटर चल गया। और भाई अभी भाई साहब बता रहे 35 किलोमीटर ये मनाली से आते हुए वहां से चलते हुए आए। तो यार इतना ज़्यादा मेरे समझ में नहीं आ रहा है यार, 35 किलोमीटर और तोड़ो यार गाड़ी अब अपनी। वो कह रहे हैं कि अभी और 10 किलोमीटर जो लास्ट का उसमें तो भाई साहब ऐसे ऐसे चलेगी गाड़ी, सुन ही लिया होगा आपने। मुझे ऐसा लग रहा है यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार, ये स्विफ्ट ला के ना सच में भाई बहुत बड़ी गलती कर दी इधर से आके। चलते भाई इसी रोड पे, क्या कर सकते हैं अब, जब आ गए हैं तो इतना रास्ता कवर कर दिया 70%, तो और 30% बचा है तो उसको क्या ही करना, वो भी कवर कर देंगे। चलते हैं धीरे धीरे। क्या बात है यार, ये अंकल जी हमसे पहले पहुंच गए भाई साहब, ये तो खींच रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। कितनी देर होगी पहुंचे हुए? 5-10 मिनट हो गया। 10 मिनट हो गए? मेरे पीछे एक गाड़ी और थी ना वो। अच्छा, तो फिर अच्छा। मैं बोला यही गाड़ी थी बोल के, मैं सोचा बोला वही गाड़ी हुई, देखा था वो तो येलो प्लेट दिख ली वो स्विफ्ट डिजायर थी। हाँ, वो मेरे को ओवरटेक करके गया था वो। हाँ। चाय हमें भी दे देना भैया। तो अभी ऑफ रोड कितना है ये और रह गया भैया? ऑफ रोड 25 किलोमीटर। मतलब कहाँ तक रह गए? ग्रम्फू तक? ग्रम्फू तक ना, ग्रम्फू तक रह गया, मतलब 25 किलोमीटर रह गया। अच्छा गाड़ी लगी नहीं नीचे से? अपनी नहीं लग रही। 200 वही 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस लेके चल रहे हो ना तो क्या ही दिक्कत होगी अपने को, तो 160 mm भाई वहां से निकले थे। नहीं, आपको तो अभी क्या थोड़ा, मैं इसलिए गया, मैं तो ऐसे से करके निकाल चल जाते अपन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जब हम लोसार से निकले थे ना तो मैं आ गया था भाई, मैं कर रहा था, अब जैसे ही दिखा ना रोड खराब है तो भाई साहब ने फायदा उठाया गाड़ी का, रेनॉल्ट टाइगर है भाई साहब के पास, इन्होंने भगाई है जो 10 मिनट हो गए बैठे और मैं यहाँ बैठा हूँ, बताओ मैं जस्ट अभी उतरा हूँ। चलो खैर कोई नहीं यार, ये तो चलता रहता है। अच्छा हमारी भी चाय? चलो भैया थैंक यू सो मच। चाय वाय तो पी ली यहाँ पे। अभी मैं अपनी गाड़ी का हाल देख रहा था, हाल बेहाल है ये लगा लो आप, आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई क्या हुआ है, ठीक है ना, राइट साइड से बम्पर ही निकल गया है, और जो ऑफ रोड इतना तकड़ा है कि यहाँ देखो ये पत्थर लगा हुआ है, ये देखो भाई ठीक है, और नीचे से बम्पर भी फट चुका है, ये दिख रहा होगा आपको,
ठीक है ना। और नीचे से देखो आप, नीचे से हाल भाई साहब, भाई बहुत बुरा हाल है गाड़ी का, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। बाकी ये देखो, तो यार अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं लोग के ना, ये तो बैठ भी नहीं रहा यार, बैठ गया। चलो भाई, देखा तुम्हारे भाई ने एक सेकंड में बिठा दिया बम्पर, बट एक दिक्कत है उसका लोक गया, लोक कसता है ना वो टूट चुका है। आवाज आपको मेरी कम आ रही होगी, हवा का फ्लो बहुत ज्यादा है यहाँ। तो अब यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं, 25 किलोमीटर रहता है यहाँ से, ठीक है। चलो भाई हम निकलते हैं यहाँ से, भाई साहब तो आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ये तो वैसे भी मुझे ओवरटेक कर देंगे भाई, इनके पास तो ये रेनोल्ट की काइगर है, इसका तो पहले ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, ठीक है। हम निकलते हैं यहाँ से धीरे धीरे, आ जाएंगे तो पीछे पीछे। चलो भाई दोबारा से ऑफ रोड के मजे, 25 किलोमीटर रहता है क्रमफू तक, क्रमफू के बाद तो टापम टाप है ही। बाकी यहाँ का मौसम देखो आप, बाहर से दिखाता हूँ आपको। तो गाइज ये आई है बहुत तकड़ी वाटर क्रॉसिंग, अब इधर से लेते हैं, इधर से। चलो भाई सामने वाले तो कह रहे इधर से लो, वो तेरी, ओ भाई साहब, ओ शिट। चलो भाई निकल गए, फ्लो देखो कितना तेज है। बाकी भाई के पास है पोलो, पोलो लगा रखे यार, क्या हो गया? अच्छा टायर पंचर हो गया मुझे लग रहा है। चलो भाई आ जाएंगे अभी धीरे धीरे, हवा भर रहे हैं टायर में। पर क्या हो गया, गुजरात की गाड़ी है ये तो, अंकल की गाड़ी वो खड़ी हुई है भाई, रेड कलर की। क्या हो गया भैया? अरे सर कैसे हो? क्या हो गया? अरे डीजल का पाइप उड़ गया, ओ यहाँ लग गया, यहाँ पर कहाँ पे? यहीं का नीचे का लग गया। ओ तेरे, ये डीजल ही गिर रहा है ये पूरा? ये तो हम चेक कर रहे हैं ना, ऑन कर रहे हो तो नहीं, ट्रे भी है मेरे पास, डीजल मोल डालना पड़ेगा गाड़ी में। आपको कितनी देर हो गई आए हुए? 15-20 हो गए, 15-20 मिनट हो गए, मुझे लगा आप निकल गई होगी। नहीं हम तो बीच में और रुके थे। अच्छा अच्छा, आपको वेट करने लिया और रुके, फिर और आ रहे, थोड़ा चढ़ रहे और रुक रहे। कितनी देर में कह रहे हैं? देखो ये चीज ऐसी रहती है, इसका कोई कुछ नहीं बोल सकता, जब टाइम लगेगा, पहले फॉल्ट समझ में आना पहली बात, उसके बाद फिर फॉल्ट समझ में आएगा, वो पार्ट्स मिलना फिर यहाँ पर वो बहुत मुश्किल है काम होता। मेरे को 15 दिन हो गए पात्र में, गाड़ी मैकेनिक मैंने बुलाया, मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है 15 दिन से, वहीं अटके हुए थे आप? तो गाइस उनका तो लगेगा अभी टाइम, डीजल पाइप ही फट गया यहाँ पे। क्या हो गया आप पूछते हैं, क्या बात है? हाँ नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, एक नंबर इस पे आपने कॉल करना है, बताओ बताओ लिखो नंबर। तो गाइस इन्होंने हमें एक काम दिया है कि यहाँ पे जो है ना, ये मैकेनिक है, मैकेनिक के पास जो लड़का काम करता है ना, नीरज नाम है उसका, तो इन्होंने कहा है कि जैसे ही आप नेटवर्किंग जोन में जाओ ना, तो आप प्लीज फोन कर देना इस बंदे को, नंबर दिया है भाई ने। तो यार इतनी तो हेल्प करना बनती है यार, बेचारे बहुत देर से परेशान है, गुजरात से आ रखे हैं भाई, ठीक है। और डीजल का पाइप फट गया इनका, तो जितने भी औजार औजार है ना उनको बता देंगे। और यहाँ से कुछ हार्डली 4-5 किलोमीटर रह गया, ग्रमफू जो है अपना वहां से स्टार्ट हो जाता है, तो अब चलते हैं वहां पर, जैसे नेटवर्क आते हैं उनको बता देते हैं। देखना गाइज यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, चारों ओर मैकेनिक, क्या मैकेनिक के नाम पे कुछ नहीं है भाई। गाइज फाइनली भाई बैक टू रोड आ चुके हैं, सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, इस रोड के लिए तो मैं इतना तरसा हूँ बस मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ से हार्डली 12 किलोमीटर रह गया, बाकी अपने फोन में अब नेटवर्क चेक करते हैं और भाई उनको फोन कर देते हैं। और यहाँ से अगर आपको जाना है ना वापस, तो आप रोहतांग पास भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इधर लगाते हैं गाड़ी, और वो देखो भाई अटल टनल का बोर्ड दिख रहा है आपको, 12 किलोमीटर है और मनाली यहाँ से 45 रह जाता है। और अगर आपको रोहतांग पास जाना है तो आप इधर से जाओगे वापस, ठीक है। तो चलो भाई अब फोन कर देते हैं उनको, क्या कह रहे हो? नेट पकड़ रहा है? अरे सब नेटवर्क आ गए तुरंत, चढ़ते के साथ ही यहाँ से चढ़े हम, तुरंत नेटवर्क आ गया नीचे, मतलब मनाली में। मनाली में तो गाड़ी नहीं, अब हम लोग ऐसे जाएंगे, गाड़ी ठीक होगी, बंदा आ रहा है मैकेनिक, शीशु में गाड़ी है नहीं,
चलो ठीक है कोई नहीं, जो दो तीन बंदे बिठा दो मैं छोड़ दूंगा मनाली, मतलब अटल टनल पे छोड़ना है ना, अटल टनल है ना जो एंट्री पे, हाँ एंट्री वहाँ छोड़ देना। चलो हमारी काम कैंप सिस्टम है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बिठा दो बिठा दो। चलो भाई भाई एक बंदे की हेल्प की है अभी, हैरियर वाले की, अब इन भाई की हेल्प कर रहा हूँ। इनकी गाड़ी यार ये जो ट्रैवलर है ना कह रहे हैं दिल्ली से ही करा हुआ है भाई, ये खराब है, तो दो तीन लोगों को छोड़ दो भाई अटल टनल तक, तो अब छोड़ रहे हैं यार इनको भी। हेलो बैठ जाओ बैठ जाओ। सर का चेक पॉइंट है, यहाँ से अटल टनल कितना रहेगा, 6 किलोमीटर। लो जी लो गाइस पहुंच चुके हैं अटल टनल। टाइम दिखाता हूँ मैं आपको अभी कितना टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है 3:22। भाई साहब तो गाइस अभी चल रहे हैं हम फिलहाल अटल टनल के अंदर, और अभी उनको भी उतार दिया है हमने, आपने देख ही लिया होगा, तो हेल्प कर दी यार। अब देखो आपसे भी भाई यही चीज़ बोलूँगा, हेल्प करनी चाहिए, कोई भी अगर इंसान परेशान है और अगर आपसे हेल्प मांग रहा है तो उसकी हेल्प करो भाई, क्योंकि सुनसान एरिया ऐसा होता है ना ये, इसमें कोई नहीं दिखता। और मैंने एक चीज़ और नोटिस किया, जैसे ट्रैवलर्स वाले हो गए हिमाचल वाले, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, बट जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की भाई खैचम खैच निकल रहे हैं, ना रुक के पूछ रहे हैं। जैसे हमने टाटा हैरियर वाले से पूछा कि भाई क्या हो गया, वहाँ पर हमारे भाई भी खड़े हुए थे दूसरे जो रेनोल्ट काइगर वाले थे, तो रुकना तो था ही वैसे भी, बट फिर भी यार मैकेनिक ने अगर हमें कुछ बोला है हमने वो काम किया, और ग्रम्फो पे जाते ही किया, और फिर वहाँ पर ये मिल गए, फिर हमने इनकी भी हेल्प कर दी। कोई नहीं यार, हेल्प करने से कोई छोटा नहीं होता, तो मैं भी बस आपसे ये बोलूंगा कि हेल्प किया करो। तो बाकी भाई हम अटल टनल में चल ही रहे हैं, देख लो 60 की स्पीड लिमिट है, हमने भी अपनी गाड़ी की 60 की स्पीड ही रखी है। तो गाइस फाइनली मनाली आ चुके हैं, तो आए हुए करीबन आधा पौना घंटा हो गया मेरे को, और रूम वूम भी ले लिया। तो फिलहाल अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जब हम लोसार से निकले थे तब मैंने आपको बोला था कि हमारी गाड़ी जो है हैचबैक है ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो वो तो देखो आपके सामने ही है, इसने कर दिया, और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उसके बारे में भी स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और दूसरी चीज़, हमारी गाड़ी में हाफ टैंक था, कितना पेट्रोल बचा मनाली तक आने में लोसार से यहाँ तक। आओ सबसे पहले गाइज आपको पेट्रोल ही दिखाता हूँ मैं, कितना पेट्रोल गाड़ी के अंदर लगा अभी तक। तो गाइज ये देखो आप, सामने है आपके 2 पॉइंट हैं अभी भी जो बचे हैं, और अभी हम जो लोसार से निकले थे मैंने जीरो कर दिया था, 128 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है। तो गाइज जैसे कि अभी आपने देखा गाड़ी के अंदर 2 पॉइंट बचे हैं, और जब निकले थे तो 5 पॉइंट थे। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था कि हमारी गाड़ी कर पाएगी नहीं कर पाएगी। और एक चीज़ और बता दूं, जब हम लोसार से निकले थे तो उन्होंने खुद बोला था, पुलिस वालों ने जहाँ चेक पॉइंट था, कि 10 घंटे आपको कम से कम लगेंगे, और अपने घर पर फ़ोन करके बोल दो, नेटवर्किंग भी नहीं आते हैं, तो मैंने आपको बताया था। तो यही चीज़ है जिस वजह से मैं डर रहा था, और बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी इसी चीज़ को लेके कि यार मैं पहुँच पाऊँगा कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो एट दी एंड बस ऊपर वाले का शुक्र है कि ऊपर वाले ने ये चीज़ करवा दी। कि देखो अब बहुत सारे भाई बोलेंगे कि पहले दूसरे गियर पे जब गाड़ी लो आरपीएम पे चलती है और उसमें लोड ज़्यादा रहता है तो पेट्रोल कंजप्शन ज़्यादा रहता है, और मैं वो चीज़ समझता हूँ, क्योंकि अगर इसका हाफ टैंक होता ना गाड़ी 200+ जाती तब जाके इसके 3 पॉइंट खत्म होते, बट यहाँ देखो 128 किलोमीटर चल गई, वो भी सफिशियंट है भाई, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अब बात करते हैं सेकंड मुद्दे के बारे में, कि भाई मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इस गाड़ी को लोसार से यहाँ तक लाने में मनाली तक। तो मैं आपको बता दूँ, लोसार से ग्रम्फू तक जो रोड टूटे हुए हैं भाई, उसका तो बस मैं क्या ही बताऊँ आपको, आपने वीडियो में पूरा देखा है, मैं बस बयान ही कर सकता आपको कि भाई मैं कैसे कैसे आया हूँ, और गाड़ी के अंदर क्या क्या नुकसान हुआ वो भी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। एक बार फिर भी मैं आपको गाड़ी का वो अराउंड दे देता हूँ, कितना बुरा हाल है, कोई बता देगा भाई ये दिल्ली से, यहाँ देखना मट्टी मट्टी, ये देखो भाई क्या यार, आगे की हेडलाइट ही नज़र नहीं आ रही है, देखो फॉग लैम्प भी नज़र ही नहीं आ रही है, देखो भाई फॉग लैम्प तो ऐसा लग रहा है जैसे कि है ही नहीं इसके अंदर। इधर से बम्पर ही निकल गया था लेफ्ट साइड से, उसका लॉक ही टूट गया है, खैर हाथ मारा तो अंदर घुस गया, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, एक नुकसान और हुआ है हमारी गाड़ी में जो मैंने अभी देखा, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, ये देख रहे हो आप, हल्का सा डेंट है, हल्का सा, वीडियो में भी दिख रहा होगा, ये पहले नहीं था जब मैं निकला था और अब हो गया, या तो हो सकता है इसे पत्थर वत्थर लगाए, नहीं तो कुछ ना कुछ तो है जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो गाइज अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, कि आप स्विफ्ट जैसी गाड़ी को, या फिर अल्टो हो गई, या फिर लो ग्राउंड क्लियरेंस कार्स जो होती हैं जैसे i20 हो गई,
तो इन जैसी कार को आप लोसार से ग्रम्फू तक ला सकते हैं, नहीं ला सकते तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल ला सकते हो। मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे, ड्राइवर टू ड्राइवर डिपेंड होता है। तो गाइज मैंने आपको दिखाया था कि एक टाटा हैरियर वाले का डीजल का पाइप फट गया था। तो भाई आप ये सोचो इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है कुछ 160-165। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो टाटा हैरियर है इसका, इससे तो उसका ज्यादा ही है, अप्रोक्सीमेट होगा उसका 180-185 कुछ समथिंग है। उसके बाद भी उसका डीजल का पाइप फट गया, वो नीचे से लगी थी, हिट हुई थी बहुत गंदी। देखो आपके पास है गाड़ी कोई भी हो, फॉर्च्यूनर हो, थार हो, कोई भी हो, अगर आप उसको प्यार से चलाओगे, ऑफ रोड कर रहे हो तो भी आपको उसे प्यार से ही चलानी पड़ेगी। जब मैं हैचबैक जैसी गाड़ी यहाँ पर बिना किसी नुकसान के ला सकता हूँ तो आप भी हैचबैक जैसी गाड़ी बिल्कुल ले जा सकते हो। और दुनिया भर बंदे ले जा रहे थे और ला भी रहे थे, मैं ये एक अनोखा नहीं था, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा भाई, बहुत सारे बंदे i20 अल्टो बहुत सारी गाड़ियां ले जा रहे थे। तो उसी में से एक मैं भी था जो मैंने भाई अपनी ये वाली स्विफ्ट से आया हूँ और एक स्विफ्ट डिजायर भी मिली थी रस्ते में, मैंने आपको दिखाया भी था। तो बस गाइज यही था इस वीडियो के अंदर, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जो भी भाई अपना लोसार से या काजा से अपना ग्रम्फू तक या मनाली तक करना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि लो ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी आप ले जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ बट एक चीज बोलूंगा एट द एंड कि भाई जो नीचे का इसका चैम्बर के नीचे जो फाइबर की शीट लगी रहती है प्लास्टिक की, तो भाई वो तो इसकी बोल गई और मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी था, तो वो तो या तो उसको रिपेयर कराना पड़ेगा या तो नई डलवानी पड़ेगी और बम्पर तो मेरा फट ही चुका है, तो वो चीज़ आपने वीडियो में देख ही ली है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।